हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है एक अलग तरह का हलवा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे पान का हलवा। ये पान आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 पान लिए हैं, उन्हें मैं ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच गुलकंद। आप कोई सा भी गुलकंद यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक गुलकंद लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल के इसे पीस लेंगे। देखिए, पीसने के बाद इसका कुछ इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी डालना है। अब असली घी हो तो उसे ज़रूर डालिए। अब मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। अब हम सूजी को भून लेंगे। सूजी को हमें कम आंच करके ही भून लेना है। आप इसे भूनने में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। इसका एक एक दाना भून जाए, इस तरह से हमें इसे आराम से भून लेना है। ये बहुत जल्दी भून जाती है, इसलिए आप गैस की फ्लेम को कम ही रखिए। ज़्यादा फास्ट करेंगे तो सूजी फौरन जल जाएगी और इसका एक एक दाना भून नहीं पाएगा। देखिए, सूजी अच्छे से भून रही है। सूजी भूनने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। एकदम स्लो आंच पे आप इसे लगातार चलाते रहिए। सूजी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसे और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक सूजी का हल्का सा कलर चेंज नहीं होता। देखिए, सूजी अच्छे से भून रही है। हमें इसे बहुत ही आराम आराम से लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये काम करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब मैं सूजी को अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। हलवा अच्छा बनाने के लिए हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम ले लिया है। हमें यहाँ पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा हलवा है उसके अंदर पूरा टेस्ट हमारे पान का ही आने वाला है। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर लूँगी। आपने जितनी सूजी ली है उससे डबल आप पानी ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी हमें पहले कम ही रखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर गुलकंद का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच गुलकंद डालेंगे और जो हमने बैटर पीस के रखा था पान का, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और हम इसके अंदर 1 चम्मच चला लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब हम और एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। देखिए, दिखने में ही बहुत खूबसूरत सा कलर दिखता है। पानी में हमारा बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने जो सूजी भून के रखी थी वो हम धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी है। अब हम इसे फौरन चलाते रहेंगे। इसके अंदर हमें एक भी गुठली नहीं रखनी है। आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि गुठली बन गई है, लेकिन हमारी सूजी अच्छे से भुनी हुई थी तो इसके अंदर गुठली नहीं होगी। देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 5 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए, कितना ही अच्छा इसका कलर भी दिख रहा है और गुलकंद और पान की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी और हम फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा उसी चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, है तो ये सूजी का ही हलवा, लेकिन जबकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा गुलकंद और पान डाला है तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, जब हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे और ये कढ़ाई छोड़ रहा है, इसका मतलब आपका हलवा बनके तैयार है। ये देखिए, मैं ऐसे चम्मच से इसे घुमा रही हूँ तो ये कढ़ाई से सेपरेट हो रहा है, नीचे चिपक नहीं रहा। इसका मतलब हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है।
देखिए मैं इसे एकदम अच्छे से चला रही हूँ और ये कढ़ाई पे चिपक नहीं रहा, कढ़ाई छोड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका हलवा बनके तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। नॉर्मल सूजी का हलवा आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।